हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस मिल रही हैं पढ़ने के लिए, और उसके साथ साथ आप लोग अपना रिवीजन भी करते रहें ताकि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे भूल ना जाएं। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ों पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, अगर उसे रिवीजन ना करें या उसे क्वेश्चन फॉर्म में ना देखें तो वो चीज़ें भूल जाती हैं और एग्ज़ाम में जा करके कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसीलिए आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए हैं, और जिसमें आज आपका जो क्वेश्चन है ये हम प्रागैतिहासिक काल से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने आप लोगों के लिए गुप्तकाल और मौर्य साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, उसको आपने सॉल्व भी किया होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो उसी कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री में, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है पढ़ा के, वहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को देंगे जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। और आज जो आपका क्वेश्चन है ये प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता का है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल का है। तो एक तरफ आपका जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन ये प्रागैतिहासिक काल के हैं, और कुछ 15 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आद्य ऐतिहासिक काल के हैं। इसी क्रम में हम आगे भी आप लोगों को क्वेश्चन देंगे जो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस क्वेश्चन के साथ साथ जो हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे आप लोगों को, वो आप लोगों के लिए और भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उससे आप लोग एग्ज़ाम में और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्ज़ाम में आता है कि प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन हैं, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं। इन्होंने किस सन में जो है प्रपाषाणकालीन जो हथियार है उसे ढूंढा था, तो 1863 में ढूंढा था। ये एग्ज़ाम में सन भी आता है, तो सन भी आप लोगों को याद होना चाहिए। 1863 में जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है इन्होंने जो है हथियार ढूंढा है जो कि पूरा पाषाण काल का है, इसीलिए इन्हें पूरा पाषाण काल का जनक भी कहा जाता है। अब ये भी देख लेते हैं किस स्थान पर इन्होंने ढूंढा है, तो आपके सामने है पल्लवरम, कर्नूल, चित्तूर, नेल्लौर और अतिरम्पक्कम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, घुमा फिरा करके कई तरह से आता है क्वेश्चन। कभी कभी पूछ लेता है कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन जो है हथियारों को ढूंढा है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट हो जाएंगे। इन्हीं को प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। और 1863 में इन्होंने जो है हथियार ढूंढा था, उस हथियार को हाथ की कुल्हाड़ी कहते हैं या हैंड एक्स कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि उन्होंने कौन सा हथियार ढूंढा था, तो हैंड एक्स या हाथ की कुल्हाड़ी ढूंढी थी। और कहाँ से ढूंढा था, तो ये ढूंढा था इन्होंने पल्लवरम नामक स्थान से, और ये जो स्थान है ये वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के क्रम में अतिरम्पक्कम से भी हस्त कुठार या हाथ की कुल्हाड़ी मिली है, जिसे हैंड एक्स कहते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर आंसर पल्लवरम हो जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे आंसर सॉल्व हो गए होंगे। एक तो ये प्रागैतिहासिक काल के जनक है, दूसरा 1863 में पल्लवरम नामक स्थान पर इन्होंने हैंड एक्स को ढूंढा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बच्चों, प्राचीन मानव प्रजाति कौन सा है, इनमें से कौन है जो प्राचीन मानव प्रजाति है। यह एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है कि मानव का आदि पूर्वज किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है मानव का आदि पूर्वज कौन था। ऑप्शन में है जावा मानव, दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, तीसरा है होमो इरेक्टस मानव और चौथा है नियंडरथल मानव। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कि कौन सा है जो हमारा आदि पूर्वज है, या कौन सा वो मानव है जिसे प्राचीन मानव प्रजाति माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्राचीन। तो बहुत आसान है, आपने इसके पहले पढ़ा भी होगा। तो इसमें आपका जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये मानव का आदि पूर्वज है, लेकिन आधुनिक मानव का जो पूर्वज है वो होमो सैफियंस को कहा जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और होमो सैफियंस का जो निकटवर्ती पूर्वज है वो क्रोमैग्नॉन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ध्यान देंगे। ये तीनों चीज़ें, आदि पूर्वज जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, आधुनिक मानव का जो पूर्वज है वो होमो सैफियंस है, होमो सैफियंस का जो पूर्वज कहें या उसके पहले का जो मानव है उसे क्रोमैग्नॉन कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जावा मानव है, जावा मानव को ही जो है होमो इरेक्टस मानव भी कहते हैं, यानी कि इंडोनेशिया में पाए गए हैं। और ये जो मानव है यही सबसे पहले आग का आविष्कार करता है या आग को जलाना शुरू करता है, तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और जो आपका नियंडरथल मानव है ये जर्मनी में पाया गया है, और जो बीजिंग मानव है ये आपका चीन में पाया गया है, चीन के बीजिंग में पाया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नवपाषाणिक स्थल से बड़े पैमाने पर हड्डियों के बने औजार मिले हैं। इनमें से कौन सा पाषाणिक स्थल है
जहाँ से बड़े पैमाने पे हड्डियों के बने औजार मिले हैं, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो ये भी पूछता है कि कौन सा स्थल है, दूसरा ये पूछता है ये किस काल से संबंधित है, तीसरा पूछता है कि जो हड्डियाँ मिली हैं वो किस जीव की हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे जो दिया हुआ है बताएंगे कौन सा है, तो छोटा नागपुर है या चुनार है या मास्की है या चौथे नंबर चिरांद है या पांचवा नंबर बुरझोम, इनमें से कौन सा प्लेस है जहाँ से बड़े पैमाने पे हड्डियों के औजार यानी कि हड्डियों के उपकरण या हथियार पाए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि आपका जो प्लेस है ये चिरांद है और ये बिहार में है, ये भी ध्यान देंगे ये बिहार में है, और ये एक नौ पाषाणी का स्थल है, ये भी ध्यान देंगे एक नौ पाषाणी का स्थल है, बिहार में है, चिरांद जो है वो प्लेस है, और हड्डियाँ जो हैं ये हिरण की मिली हैं, हिरण की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ से, खास करके सींग, हिरण के सींग की जो हड्डी होती है उसी के उपकरण ज़्यादा मिले हैं। तो ये तीन चार क्वेश्चन बने हैं, ध्यान देंगे बिहार का है, चिरांद नामक प्लेस है, नौ पाषाणी का स्थल है, और जो हड्डियाँ हैं वो हिरण की सींग हैं जिसके बहुत सारे औजार यहाँ से मिले हैं, जिसका नाम चिरांद है प्लेस का। नेक्स्ट है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परम्परा के परिचायक हैं, इनमें से कौन सा काल है जिस काल में ब्लेड और ब्यूरिन नामक उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे। तो ऑप्शन में है आपके पास उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे मध्य पाषाण काल होगा, ये पूरा नहीं रहेगा, मध्य पाषाण काल, और नेक्स्ट है नव पाषाण काल। तो बताएंगे बच्चों इसमें से किस काल में ब्लेड ब्यूरिन नामक उपकरण की अधिकता थी या पाया जाता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका जो उच्च पुरापाषाण काल है यही सबसे परिष्कृत हथियारों का काल माना जाता है, इस काल के जो हथियार हैं सबसे उन्नत किस्म के हैं, और इस काल में ही होमो सैपियंस का विकास हुआ था। इस काल तक मानव आते आते जो है ब्लेड जो बनाता था हथियार, इसके साथ साथ हड्डियों के हथियार और लकड़ियों के हथियार भी बनाना शुरू कर दिया था, और उच्च पुरापाषाण काल से ही जो मानव है ये भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी करना भी शुरू कर दिया था, और जो बारिश का रेशियो है वो सबसे ज़्यादा उच्च पुरापाषाण काल में ही था। इसी काल में जो ऊपर के मैदान हैं वो धीरे धीरे बर्फ मुक्त होने लगे थे, गंगा घाटी के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे घास फूस उगने लगे थे। तो ये जो उच्च पुरापाषाण काल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे तथ्य याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से मानव की समाधियाँ मिली हैं यानी कि जहाँ पे व्यक्ति को दफनाया जाता है ऐसे जगह मिले हैं, और वो भी आभूषणों से युक्त हैं यानी कि उन्होंने गहने पहन रखे हैं, हालांकि जो गहने हैं ये सोने के नहीं हैं या इस तरह के धातुओं के नहीं हैं, क्योंकि जो मानव है वो अभी इस तरह की चीज़ों से परिचित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा प्लेस है, तो ऑप्शन में है भीमबेटका, बागोर, महादहा, सराय नहर राय। तो यहाँ पे एक बात तो ये ध्यान रखनी बच्चों कि ये मध्य पाषाणी का स्थल है, दूसरा कौन सा स्थल है तो ये है आपका महादहा, यहाँ से युग्म समाधियाँ मिली हैं, महादहा मध्य पाषाणी का स्थल है, यहाँ से समाधियाँ मिली हैं मानव की, और वो आभूषण युक्त हैं, और ये जो आभूषण ये हड्डियों के बने हुए हैं, चूँकि मनुष्य अभी भी जो है धातु का खोज नहीं किया है इसलिए जो व्यक्ति है वो किसी भी धातु से परिचित नहीं है, इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आगे है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, किस काल में मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। क्लास में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था मनुष्य ने सबसे पहले पालतू डॉगीज को या कुत्तों को बनाया था, लेकिन ये किस काल में शुरू किया था, तो ऑप्शन में है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है उच्च पुरापाषाण काल, और चौथा है मध्य पाषाण काल, साथ ही नव पाषाण काल, यानी कि यहाँ पे दो एक ही ऑप्शन में है। तो आपको बताना है कि किस काल में मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था या वो पशुपालक हो गया था। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको पता होना चाहिए निम्न पुरापाषाण काल में जो मानव है ये सिर्फ जो है उपभोगता है, उत्पादन करना नहीं जानता है, वो सिर्फ चीज़ों को संग्रह करता है चाहे वो मांस हो या कंदमूल हो। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, इसमें भी मानव संग्रहकर्ता उत्पादन करना नहीं जानता है, और उच्च पुरापाषाण काल, जितने भी पुरापाषाण काल है मनुष्य सिर्फ खाद्यान्नों का संग्रह करता है, पशुपालन ये नहीं कर रहा है। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आता है तो मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया, और नव पाषाण काल तक वो पशुपालन
में पशुओं का विभिन्न तरह से उपयोग करना शुरू कर देता है, जैसे बैलगाड़ी के रूप में उन पे सामान ढोना, उनका जो है श्रम यानी कि जो है खेत वगैरह की जुताई में भी उनकी हेल्प लेना, और उनके जो उत्पाद होते हैं दूध दही उसका उपयोग करना, और उनका मांस तो उनके लिए प्राथमिकता ही थी। तो यहाँ पे वो पशुओं का हर तरह से उपयोग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुरुआत जो पशुपालन का वो मध्य पाषाण काल से शुरू हो जाता है। और जो मध्य पाषाणिक स्थल है बागोर, यहाँ से, और दूसरा है आपका बागोर, ये आपका है राजस्थान में, राजस्थान याद रखेंगे बच्चों, बागोर एग्ज़ाम में आता है कि किस जगह पे है, राजस्थान में है। इसके अलावा एक और प्लेस है जो आपका है आदमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे है, ये एमपी में है। ये दो प्लेस हैं जो मध्य पाषाणिक स्थल हैं जहाँ से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। प्लेस और राज्य का नाम आपको पता होना चाहिए, इसके साथ साथ ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे है बच्चों निम्न पुरापाषाण काल, इसमें आपका ये आंसर हो गया है, सही है। पाषाणकालीन मानव को आग की जानकारी कब हुई, यानी कि जो पाषाण काल का मानव है जो सिर्फ पत्थरों का उपयोग करना जानता है, पत्थरों से घिरा है, उसे आग की जानकारी कब हुई या कब वो परिचित हुआ आग से, कि अग्नि जैसी चीज़ भी जीवन में होती है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कि निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है उच्च पुरापाषाण काल, और चौथा ऑप्शन है नवपाषाण काल। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन से काल में मनुष्य आग से परिचित हो गया था, वो जान गया था कि आग भी कोई चीज़ है। तो बहुत ही आसान है, आई होप आप लोगों ने क्लासेस देखा होगा तो आप लोगों को आंसर तुरंत मिल गया होगा। ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल, मानव निम्न पुरापाषाण काल में ही आग से परिचित हो गया था, वो जानने लगा था कि आग कोई ऐसी चीज़ है जिससे जंगल जल जाते हैं, जिससे जानवर जल जाते हैं, जिससे जलने के बाद मांस जो है वो टेस्टी हो जाता है, लेकिन वो उसका उपयोग करना नहीं जानता था, वो सिर्फ इतना जानता था कि आग है कोई चीज़ और वो उसे परिचित था, चाहे वो जंगल में लगने की वजह से, चाहे ज्वालामुखी के उद्गार से, मनुष्य आग से परिचित था, लेकिन वो उसका उत्पादन करना या उसे जलाना नहीं जानता था। उसका नियमित उपयोग मानव ने कब करना शुरू किया है, तो नवपाषाण काल में मानव ने नियमित उपयोग कर लिया है। हालांकि इसके कुछ अपवादिक जो है साक्ष्य भी मिले हैं मध्य पाषाण काल में, जहाँ पे सराय नहारा है और महादहा में चूल्हों में आग के साक्ष्य मिले कि चूल्हे में आग जलाया गया था, लेकिन वो मानव ने किस तरह जलाया इसका कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है, लेकिन उसने नियमित रूप से आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था नवपाषाण काल में, ये बिल्कुल सत्य है। तो याद रखेंगे बच्चों, परिचित कब हुआ है निम्न पुरापाषाण काल में, नियमित रूप से उपयोग करना कब शुरू किया है, तो नवपाषाण काल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। आगे है कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले हैं, कौन सा वो प्लेस है जहाँ से कृषि का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, या कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कहाँ से चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य पाए जाते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो दोनों का एक ही आंसर होगा। ऑप्शन में है आपके पास बोरी, दूसरा ऑप्शन है इनाम गांव, तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़, चौथा ऑप्शन है गलुंद, और पांचवा ऑप्शन है आपके पास लाहुरा देवा। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता भी है, तो आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य या सबसे प्राचीनतम चावल उत्पादन का साक्ष्य कौन से जगह से मिलता है, दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, और आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, आंसर आपका लाहुरा देवा है। लेकिन अगर ऑप्शन में लाहुरा देवा नहीं है तो आपका करेक्ट आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा, अगर ऑप्शन में लाहुरा देवा है तो लाहुरा देवा ही करेक्ट आंसर होगा, और अगर ये नहीं है तो दूसरे नंबर पे जो सही आंसर है वो मेहरगढ़ हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है, लगभग 9000 ईसा पूर्व का है, ये लगभग 7000 ईसा पूर्व का साक्ष्य यहाँ से मिला है, तो सबसे पहला आपका आंसर जो होगा वो लाहुरा देवा हो जाएगा। लेकिन अगर चावल की जगह जौ के उत्पादन का साक्ष्य एग्जाम में आ जाए, तो जौ का उत्पादन सबसे पहले मेहरगढ़ में हुआ था, यहाँ से चावल का उत्पादन हुआ था, तो अगर कृषि का साक्ष्य सबसे प्राचीनतम कहाँ से मिला एग्जाम में आता है तो लाहुरा देवा होगा, चावल के उत्पादन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो भी लाहुरा देवा होगा, लेकिन अगर एग्जाम में आए कि जौ और गेहूं के उत्पादन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो आपका आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आप लोगों को अब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों,
कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? ये संस्कृतियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और इस संस्कृतियों को मैंने बाय मैप बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उसमें देख सकते हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप वहाँ से देख लेते हैं तो, ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ऐसी बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, जारवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, गाय जो है कायथा संस्कृति, सवालदा संस्कृति, इस तरह की जो संस्कृतियाँ हैं, जारवे संस्कृति, इनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसको देखिएगा आप लोग। तो आपके पास ऑप्शन है कि महाराष्ट्र से संबंधित है, या मध्य प्रदेश से संबंधित है, या कर्नाटक से संबंधित है, या गुजरात से संबंधित है। तो बताएंगे बच्चों कि कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य से मिले हैं। तो आई होप आपने अगर क्लास देखा होगा तो आपको याद होगा जो आपका सही आंसर है ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से कायथा संस्कृति। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ से मालवा संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं, आपके महाराष्ट्र से जोरवे संस्कृति का साक्ष्य मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुजरात से आपके सवालदा संस्कृति का साक्ष्य मिला है, राजस्थान से आपके जो है डिफरेंट संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीज़ें बाय मैप आप लोगों को बताया गया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे हैं बच्चों, हथनौरा से पूर्व पाषाण कालिक मानव के जीवाश्म की खोज की गई थी, और ये किसने किया था, किसके द्वारा ये खोज की गई थी, ये प्लेस याद रखेंगे, एग्जाम में आता है कि कौन से प्लेस से प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं, तो हथनौरा नामक प्लेस से मिला हुआ है। किसने ढूंढा है, ऑप्शन में आपके पास डी एच संकालिया, बी बी लाल द्वारा, ए के सोनकिया द्वारा, या जी आर शर्मा द्वारा। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि इसमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हथनौरा से पुरापाषाणकालिक जीवाश्म को ढूंढा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ए के सोनकिया। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का विषय है, प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का विषय क्या है, तो पहला है निरक्षर समाजों के इतिहास, दूसरा है साक्षर समाजों का इतिहास, तीसरा है सभ्य समाजों का इतिहास, और चौथा है नगरीय समाजों का इतिहास। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन हम करते हैं तो उसमें किस तरह के समाज का अध्ययन करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, आई होप आप लोगों ने ऑप्शंस पढ़ते ही आंसर ढूंढ लिया होगा। आपको पता है कि जो प्रागैतिहासिक काल है ये सभ्य समाज नहीं है, चूँकि जो व्यक्ति है वो अभी कपड़े पहनना नहीं जानता या घरों में नहीं रहता। दूसरा, नगरीय समाज बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है नगरीय समाज सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है, तो आपका ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता। साक्षर समाज और निरक्षर समाज, ये बहुत आसान है, साक्षर का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि साक्षरता का तब कोई प्रमाण नहीं मिलता है, और आपका जो निरक्षर समाज का इतिहास है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल का जो मानव है एक निरक्षर समाज में रहता है जिसके पास कोई सभ्यता नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, और ये पढ़ना लिखना भी नहीं जानता है। तो आगे है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फसल काटने की आयताकार पाषाण उपकरण जिसे हार्वेस्टर कहा जाता था किस नवपाषाणिक स्थल से मिला है? हार्वेस्टर नामक हथियार जो कि आयताकार होता था, ये फसल काटने में उपयोग में लाता था और ये लाया जाता था या मनुष्य लाता था, ये कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन में गंगा घाटी से, मालवा से, कश्मीर से, विंध्य क्षेत्र से, दक्षिण भारत से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के आते हैं, तो आपको बताना है कौन सा प्लेस है, और अगर आपने इसको पढ़ा होगा अच्छे से डीपली जो भी क्लासेस हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कश्मीर से मिला है, हार्वेस्टर नामक जो हथियार है ये कश्मीर से मिला है, और कश्मीर से आपको पता है कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है, यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं, कश्मीर का जो बुर्ज होम है नवपाषाणिक स्थल है, और यहीं से हार्वेस्टर या आयताकार हथियार भी मिला है जिसे फसल काटने में उपयोग लाया जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुरास्थल से नवपाषाणिक संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त होते हैं? यानी कि ऐसा कोई प्लेस है जहाँ नवपाषाण काल में भी जीवन था और वहाँ से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी या सदियों तक लोग रहे, तो कौन सा प्लेस है? आपके पास ऑप्शन है आमरी, दूसरा ऑप्शन है मेहरगढ़, तीसरा ऑप्शन है बुर्जहोम, चौथा ऑप्शन है कोटदीजी, और पांचवा ऑप्शन है कालीबंगा। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कि कौन सा प्लेस है जहां से नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य पाए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको आंसर पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये आपका मेहरगढ़ है, आपको पता है नवपाषाणिक स्थल है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता तक यहाँ से
साक्ष्य मिलते हैं मानव के रहने का या मानव से जुड़ी चीज़ों का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, प्रागैतिहासिक मानव कहाँ नहीं रहता था? इनमें से वो कौन सा प्लेस है जहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का जो मानव है वो निवास नहीं करता था? ऑप्शन में है पेड़ों पर, दूसरा ऑप्शन है मचानों पर, तीसरा ऑप्शन है झोपड़ी में, चौथा ऑप्शन है कंदराओं में और पांचवा ऑप्शन है मकानों में। तो कौन सा वो जगह है जहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का मानव निवास नहीं करता था? बहुत आसान है, आपने जरा सा भी इसको पढ़ा होगा सीरियसली तो ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। उस समय का जो मानव है वो पेड़ों पे रहता था, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका कोई स्थायी निवास नहीं था और घर नहीं था। दूसरा मचानों पर, यानी कि वो झोपड़ियाँ बनाना बाद के कालों में सीख गया था, खास करके मध्यपाषाण काल में झोपड़ी बनाने के साक्ष्य मिले हैं, नवपाषाण काल में गर्तावास मिले हैं और मकान बाद में मिले हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्रागैतिहासिक काल का, नवपाषाण काल की बात नहीं हो रही है। नवपाषाण काल में व्यक्ति ईंटों का मकान बनाने लगा था जो कि कच्ची ईंटों का था। तो प्रागैतिहासिक काल में जो व्यक्ति है वो पेड़ों पे रहता था, मचानों पर रहता था, झोपड़ी में रहता था और कंदराओं यानी कि गुफाओं में रहता था, लेकिन मकानों में नहीं रहता था क्योंकि उसे अभी कुछ भी बनाना नहीं आता था या मकान का निर्माण करना नहीं आता था। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं और किस काल से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें दो क्वेश्चन है और उसका आंसर है आपके पास। क्या ये मध्य प्रदेश में है और प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, या ये मध्य प्रदेश में है और आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, या ये महाराष्ट्र में है और जो है मध्यपाषाण काल से संबंधित है, या ये यूपी में है और नवपाषाण काल से संबंधित है? तो आपको बताना है बच्चों भीमबेटका की गुफा कहाँ है और ये किस काल से संबंधित है। तो आई होप आपको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी है। तो ये भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं ये मध्य प्रदेश में है और ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। यहाँ से अद्भुत चित्रकारी मिली है, उस समय के मनुष्य के जीवन से संबंधित जो उनके क्रियाकलाप थे उन सब की जानकारी यहाँ से मिली है। और इसको जो ढूंढा था, इसको ढूंढा था वाकड़कर महोदय ने 1957 में। एग्जाम में भी क्वेश्चन आया बच्चों, ध्यान देंगे कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इसे किसने ढूंढा है, तो 1957 में वाकड़कर महोदय ने ढूंढा है। वाकड़कर महोदय एग्ज़ाम में आ चुका है, ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से संबंधित। यहाँ पे मैंने 16 क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में सबसे पूर्व का स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किसने करवाया था? इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आलमगीरपुर का जो उत्खनन करवाया है? और आलमगीरपुर जो है ये सबसे पूर्वी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, मैंने बताया था। आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला है और ये सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। तो ये आपको बताना किसने इसको जो है उत्खनित करवाया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वाई डी शर्मा द्वारा, या ए घोष द्वारा, या बी के थापर द्वारा, या बी बी लाल द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा तथ्यात्मक भी है, ध्यान देंगे। आपके पास ऑप्शन है चार और जिसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर वन या फर्स्ट सही है, वाई डी शर्मा द्वारा जो आपका आलमगीरपुर है जो सबसे पूर्वी छोर पर है मेरठ हिंदन नदी के किनारे, ये है खुदाया गया है वाई डी शर्मा द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ से पक्की मिट्टी का हल मिला है, यानी कि वो हल के जैसा बनाया गया है खिलौना जो कि पक्की मिट्टी का बना हुआ है? तो आपको बताना है कि कहाँ से मिला है। ऑप्शन में है बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रंगपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। तो आई होप आपको पता होना चाहिए कि जुते हुए जो खेत का साक्ष्य मिला है वो तो कालीबंगा से मिला है, अंतरा फसलीकरण का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है, और जो शल्य चिकित्सा का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है, फर्श के अलंकरण का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है, यहाँ तक कि फारस की मुहरें भी जो है कालीबंगा से पाई गई हैं। और ये जो कालीबंगा घग्घर राजस्थान में है, तो ये तो कालीबंगा का है, लेकिन मिट्टी के स्वरूप का बना हुआ हल कहाँ से मिला है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बनावली, ये हरियाणा में है बनावली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हल के प्रतिरूप का बना हुआ आकृति का खिलौना मिला है जो पक्की मिट्टी का बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है निम्न पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पशुओं का समूह दिया है इनमें से वो कौन सा समूह है जो पशुपति का मुहर मिला है मोहनजोदड़ो पर, उस पर इनका अंकन है या इन्हें बनाया गया था उस समय उकेरा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ,
दूसरा ऑप्शन है व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। तीसरा ऑप्शन है सिंह, गैंडा, भैंसा, हाथी। चौथा ऑप्शन है घोड़ा, वृषभ, गैंडा और भैंसा। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हड़प्पा मोहन चौदड़ो के जो सिक्का मिला है चौकोर आकृति का, उसमें एक पशुपति शिव बनाए गए हैं और उनके बाएं तरफ और दाएं तरफ पशु बनाए गए हैं, उन्हीं पशुओं को यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था क्लास पढ़ाते हुए कि बाएं तरफ जो है बाघ और हाथी है और दाएं तरफ गैंडा और भैंसा है। तो देख लीजिए, बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा किस ऑप्शन में है? तो ब्याघ, हाथी, गैंडा और भैंसा, ये जो आपका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बाघ है, हाथी है, गैंडा, भैंसा है, ये दोनों बाईं तरफ है और ये दोनों दाईं तरफ है। ये आपका लेफ्ट में है और ये आपकी राइट में है। इसको आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पुराण स्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? एग्जाम में आया है कि कौन से नदी के किनारे सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई है या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल या बस्तियां पाई गई हैं। तो ऑप्शन में सिंधु नदी के किनारे या गंगा यमुना नदी के किनारे या घग्घर नदी के किनारे, घग्घर को सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, या सतलज नदी के किनारे या हिंडन नदी के किनारे। इसमें से कौन सी नदी घाटी है जिसके आसपास सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल या बस्तियां पाए गए हैं? तो बताएंगे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा था? क्योंकि शुरुआत में सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो सिंधु घाटी नदी के आसपास ही मिले थे या सिंधु घाटी में मिले थे, लेकिन आगे चल के ये खुदाई जारी रही और जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये, या जो सिंधु घाटी है उससे भी कहीं ज़्यादा स्थल घग्घर घाटी में मिले थे और यहीं से इसके नाम पे डिस्प्यूट हो गया था कि अब उसका नाम बदल करके घग्घर घाटी किया जाए या सिंधु घाटी सभ्यता कैसे सटीक सही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थल बाद के टाइम में घग्घर नदी के किनारे मिलने लगे थे। तो यहीं से इसके नाम में डिस्प्यूट हुआ कि इसका क्या नाम हो। तो सबसे प्रमाणित और ऑथेंटिक नाम माना गया कि हड़प्पा सभ्यता रखा जाए, क्योंकि इसके कई नाम हो चुके थे। एक तो इन्होंने सबसे पहले कांसे का उपयोग किया था तो कांस्यभिन सभ्यता, दूसरा इन्होंने सबसे पहले नगर निर्माण किया था तो नगर जो है नगर सभ्यता भी इसे कहा गया, नगरीय सभ्यता कहा गया। तीसरा, ये सिंधु घाटी के आसपास सबसे ज़्यादा बस्तियाँ मिली तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। और चौथा, सबसे पहले जिस प्लेस की खुदाई हुई थी हड़प्पा, उसके नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। ऐसे में इसके चार पांच नाम हो गए थे जिस पर डिस्प्यूट हो रहा था और ये डिस्प्यूट और बढ़ गया जब घग्घर नदी के आसपास बहुत ज़्यादा बस्तियाँ मिलने लगी तो कैसे उसका नाम बदल करके अब घग्घर घाटी सभ्यता रखा जाए। तो यहाँ पे जो सबसे प्रमाणित नाम है ये हड़प्पा सभ्यता मान लिया गया। जब एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन और अगर वहाँ पर ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन दिए हैं तो सबसे सही ऑप्शन आपका हड़प्पा सभ्यता होगा, आपको उसी को करना होगा। और अगर उपरोक्त सभी का ऑप्शन है तो आपको सभी कर देना है, चूँकि सभी उसके नाम हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन में मिली है? फारस की खाड़ी की मुद्रा जो है वो उत्खनन में मिली है, तो बताना है आपको कि कहाँ से मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपके पास दो दो ऑप्शन हैं जो आपके सही हो सकते हैं। तो आपके पास लोथल है, नेक्स्ट है कालीबंगा, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है धौलावीरा और पाँचवा है हड़प्पा। तो बताएंगे बच्चों कौन सा वो प्लेस है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन से फारस की मुद्रा मिली है। तो ये आपको बताना है, तो इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है ये लोथल है और कालीबंगा से जो आपका मिला है मेसोपोटामिया का है, मेसोपोटामिया का बेलनाकार मुहर मिला है। यहाँ का जो बेलनाकार मुहर मिला है, एग्ज़ाम में आए अगर कि बेलन के आकार का कहाँ से मिला है तो आपका हो जाएगा बेलनाकार मुहर कालीबंगा से मिला है और ये मेसोपोटामिया से संबंधित है। और फारस की खाड़ी की जो मुद्रा मिली है वो आपके लोथल से मिली हुई है, क्योंकि जो लोथल है एक बंदरगाह नगर है, यहाँ से आयात निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग का प्रमाण कहाँ से मिलता है? एग्ज़ाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन कि कौन सा प्लेस है जहाँ से इस बात का साक्ष्य मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो सूती वस्त्र का या सूती जो ड्रेसेस होते हैं उनका उपयोग करते थे या सूती कपड़े से परिचित थे। तो आपके पास ऑप्शन में है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी, चौथा ऑप्शन है बनावली और पाँचवा ऑप्शन है कालीबंगा। मैंने यहाँ आप लोगों को 5 ऑप्शन दे दिया है, कहीं कहीं कंपटीशन ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है और जिसको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा सटीक पता होता है वही सही कर पाता है, तो थोड़ा सा कंपटीशन आपका मैंने भी बढ़ा दिया है। आपको एलिमिनेट करेंगे तो आपको 3-4 ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा तब जाकर आप सही ऑप्शन में पहुँचेंगे। इसीलिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए बच्चों, ताकि अगर एग्ज़ाम में इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वहाँ पर अच्छे से फेस करें।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्लेस है जहाँ से सूती वस्त्र के या सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आंसर आपका है मोहनजोदड़ो से ही। एक उस्तरे में जो कि दाढ़ी बनाने वाला हथियार होता है उसमें लिपटा हुआ सूती का कपड़ा मिला है, तो आपका मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा संख्या में मोहरे मिली हैं, लगभग 1200 मोहरे मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से कांसे की नर्तकी की डांस फॉर्म में मूर्ति मिली है जो कि लुप्त मोम पद्धति से बनी है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से मलेरिया से लोगों के मरने के साक्ष्य भी मिले हैं। आगे है बच्चों, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। एग्जाम में बहुत बार आया है, आज आप लोगों को इसको फिर से फेस करना है। बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, मोहनजोदड़ो का महाजलकुंड था, या मोहनजोदड़ो का महास्नानागार था, या हड़प्पा का राजमहल था, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा इमारत था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आई होप आप लोगों ने आंसर ढूंढ लिया होगा कि इनमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ये है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो महान अन्नागार था जो कि मिला था मोहनजोदड़ो से। तो अगर आपके ऑप्शन में ये अन्नागार होता तो ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में त्रिस्तरीय विभाजन कहाँ पाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय विभाजन। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। मैंने आपको क्लास में इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि क्या अंतर है। पूर्वी टीला निचले स्थान पे है, घनी आबादी है, गरीब लोग रहते हैं। पश्चिमी टीला ऊंचाई पर है, कम आबादी है, उसमें बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो दुर्गीकृत है, जबकि पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बटे हुए हैं नगर, और ज़्यादातर जो नगर हैं उनका पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है। लेकिन ऐसा कोई स्थल है जो तीन भागों में बटा है वहाँ पे नगर, और उसके तीनों भागों को दुर्गीकृत किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन में है, इतनी सारी चीज़ें हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी और लोथल है। तो कौन सा प्लेस है जो तीन भागों में बटा है और तीनों दुर्गीकृत है। तो ये आई होप आपको पता होगा, ये आपका धौलावीरा है, ये तीन भागों में बटा है और तीनों दुर्गीकृत किया गया है। इसके बीच वाले भाग में स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, और सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली भी धौलावीरा से मिला है। इसके अलावा यहाँ से साइन बोर्ड मिला है जिस पर लिपियाँ उत्कीर्ण है। तो इतनी सारी चीज़ें धौलावीरा से मिली हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। और ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा उत्खनित स्थल भी है, और ये जो है गुजरात में है वर्तमान में, ध्यान देंगे इसको बच्चों। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो चिन्हुद्रो है दो भागों में बटा है और एक भी दुर्गीकृत नहीं है। जो कालीबंगा है दो भागों में बटा है और दोनों दुर्गीकृत है, और धौलावीरा तीन भागों में बटा है, तीनों दुर्गीकृत है, और बाकी जितने भी स्थल हैं सब दो भागों में बटे हैं और सिर्फ पश्चिमी भाग ही दुर्गीकृत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इसको नोट करेंगे आप लोग। हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र जगह जहाँ से 116 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा नौका घाट मिला है, यानी कि बंदरगाह मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, पत्तन मिला है, तो कौन सा जगह है जहाँ से 116 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा गोदीवाड़ा, बंदरगाह या पत्तन नगर या घाट मिला है। ऑप्शन में है कालीबंगा, रोपड़, कोटदीजी, लोथल, धौलावीरा। तो आई होप बच्चों ये ऑप्शन तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ही जो है आयोग का पसंदीदा क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर आपको पता होगा, धौलावीरा। ये क्लास पढ़ाते हुए मैंने आपको बाई मैप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बताया है, उसको ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा लोथल से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो मैंने बताया, फारस की मुहरें मिली हैं, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला है, यहाँ से ममी का साक्ष्य मिला है, और यहाँ से जो है भूसी, धान की भूसी मिली है, यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला है, यहाँ से सूती कपड़े के कलर करने का कुंड मिला है, यहाँ से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो आपको पीछे के क्लासेस में मिल जाएंगे। आगे है, कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है। इनमें से ऐसा कोई स्थल है जो हिंदू कुश पर्वत, यानी कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है, उस पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है, यानी कि ऊपर के क्षेत्र में होगा, यानी कि अफगानिस्तान में होगा। तो बताएंगे बच्चों कि कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में है, या हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में है, चिन्हुद्रो है, या मांडा है, या सोरतुघई है, या मकरान है।
आई होप पता होगा आपको, क्योंकि बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपको पता है चिन्हुद्रो या चानहुद्रो हो नहीं सकता, ये नीचे के क्षेत्र में, मांडा आप जानते हैं चेनाव नदी जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी नहीं होगा। आपका जो मकरान का खान है, आपको पता है ये भी जो है पाकिस्तान में नीचे के क्षेत्र में पड़ता है। तो आपका जो सोरतू घई है ये आपका अफगानिस्तान का है और ये हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में है। इसके अलावा पर्वती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं, भागवत भगवानपुरा से मिले हैं, बनावली से मिले हैं, या धौलपुर या धौलपुर से मिले हैं, या आपका लोथल से मिला है? तो आपको बताना है कि कौन से प्लेस हैं जहाँ से परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्री के साथ चित्रित धूसर पात्र मिले हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये आपका जो भगवानपुरा है यहाँ से मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कुछ ऐसी चीज़ें और भी मिली हैं जो कुषाण काल से संबंधित हैं, और वो जो मिला है वो रोपड़ से मिला हुआ है। ये कुषाण काल से संबंधित या शुंग काल से संबंधित जब क्वेश्चन आएगा तो आपका रोपड़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका सही आंसर जो है ये भगवानपुरा है। नेक्स्ट है, शैव धर्म का प्रारंभिक साक्ष्य या प्रारंभ किस काल से माना जाता है? किस काल से माना जाता है कि शैव धर्म का शुरुआत हो गया था, लोग शैव पूजा करने लगे थे? बहुत आसान है बच्चों, बताएंगे हड़प्पा काल से, या उत्तर वैदिक काल से, या मौर्य काल से, या शुंग और कुषाण काल से? तो बताएंगे किस काल से शिव की पूजा का साक्ष्य मिलने लगा था। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? तो अभी मैंने इसके पहले बताया है कि मोहनजोदड़ो से एक पशुपति नाथ की अंकित जो है मुद्रा मिली है, जिस पर पशुपति शिव को बनाया गया, उनके दोनों तरफ पशु बनाए गए हैं, उनके सामने भी पशु हैं, हिरण बने हुए हैं। तो ये आपका जो सही आंसर है ये हड़प्पा है, यहीं से ही शैव पूजा के साक्ष्य मिलने लगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग में बहुत बार आया है। ऑप्शन में है लोथल, दूसरा ऑप्शन है रोपड़, तीसरा ऑप्शन है चिन्हुद्रो, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। अब इसे कूट में बताना है, एक में है सिर्फ पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर दो में है पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर तीन में पहला और चौथा, और ऑप्शन नंबर चार में है दूसरा और चौथा। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सा ऑप्शन है जहां से मन का बनाने का कारखाना मिला है। तो इसके पहले अभी मैंने समझाते हुए बताया था कि लोथल में मन का बनाने का कारखाना मिला था, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है तीन में है, इसमें नहीं है तो एलिमिनेट हो गया। अब आपको दूसरा जो ढूंढना है, तो दूसरा बता दे रहे हैं चिन्हुद्रो, यानी कि पहला और तीसरा जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन नंबर दो है, यहाँ से मन का बनाने का कारखाना मिला है। मन का मीन्स होता है गुड़िया या मोती, जिसको पिरो करके मालाएं बनाई जाती हैं। तो ये दोनों जगह हैं जहाँ से कारखाने मिले हैं मन के बनाने के। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट भट्ठे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कौन सा प्लेस है जहाँ पे ईंट बनाने के भट्ठे के साक्ष्य मिले हैं? लोग उस भट्ठे में ईंट बनाते थे बड़े पैमाने पे। ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी और सूरकोटदा। तो कौन से जगह से ईंट भट्ठे के साक्ष्य मिले हैं? आई होप आपको पता होना चाहिए, ये जो बहुत ही फेमस प्लेस है, ये आपका जो मोहनजोदड़ो है, यहीं से ईंट बनाने के भट्ठे का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से जो भी और भी चीज़ें मिली हैं वो मैंने आपको बताया है, उसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पक्षी कौन सा था? सारस था, या कबूतर था, या बत्तख था, या मोर था, या फाख्ता था? तो बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पक्षी था, जिसकी वहाँ पे लोग पूजा करते थे, जिसको पवित्र मानते थे, वो पक्षी कौन सा था? तो प्यारे बच्चों आपके पास ये पांच ऑप्शन है, पांच ऑप्शन में से सही आंसर आई होप आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा। सारस तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का है, तो ये और जो मोर है वो हमारे इंडिया का है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पवित्र पक्षी था वो फाख्ता था। इसको ध्यान देंगे, एग्जाम में ये आ चुका है और फिर आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर गेन करें और आपके जो सक्सेस का रास्ता है वो आसान हो और छोटा हो। इसके लिए हमसे जो भी हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।